सेकेंड फॉर्म पढ़ेंगे अपन टेंजेंट का, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ओके। पैरामेट्रिक पॉइंट पी कंसीडर करेंगे, ए कॉस फी बी साइन फी, ओके। इस पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, इस पॉइंट पे ए कॉस फी कॉमा बी साइन फी, हमने डिलीट है ये पॉइंट है पी, पैरामेट्रिक पॉइंट ए कॉस फी बी साइन फी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे हम, ये पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, तो हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा एक्स वन कॉमा और वाई वन की जगह ए कॉस फी और बी साइन फी रख देंगे, तो एक्स ए कॉस फी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई बी साइन फी अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन। ध्यान दें इसमें, एक्स कॉस फी अपॉन ए वाई साइन फी अपॉन बी इज इक्वल टू वन, ये पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसा सोचें ये पैरामीटर है फी, डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट फी के साथ वैल्यू के साथ डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट मिलेगी, दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म। देखें इसमें स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट हम पहले निकाल चुके हैं, वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान आ जाएगा। अभी हमने निकाला था पॉइंट पी की लाइन, पी तो एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है, ध्यान दें एक पॉइंट पे ये टच करती है, तो हमारे पास एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ऑलरेडी अपन ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड किया था, सपोज ये लाइन की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने फाइंड की थी, इसको लर्न करना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म से लर्न करना है, और ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये टेंजेंट का फॉर्म आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी के वैल्यू पुट करेंगे रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशंस आप टेंजेंट्स आ जाएगा स्लोप फॉर्म में, और कभी भी अगर हमें एक इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लेना है तो इक्वेशंस एम इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम ले सकते हैं, अगर एम अननोन है तो इस फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। देखें स्लोप फॉर्म में ही हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे, सपोज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है जो इसकी टेंजेंट है, इलिप्स पे टेंजेंट है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना, सपोज एक्स वन कॉमा वाई वन नहीं दिया हुआ है आपको, तो इसके वैल्यू फाइंड करना है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो चेक करते हैं कैसे फाइंड करेंगे, देखें हमारे पास फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सपोज लाइन ले लेते हैं हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट है टेंजेंट है ये टेंजेंट है, इसको लिख दिया मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको इसी फॉर्म में लिखा एम एक्स माइनस वाई एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और एक टेंजेंट हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सपोज एक्स वन कॉमा वाई वन है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी
एक्स एक्स वन ए स्क्वेयर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये दो इक्वेशन मेरे पास आ जाती है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में एक्स के और वाई के और कांस्टेंट टर्म के कोफिशियंट का रेशियो सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का लोकस सेम है। ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट एक्स वन, और ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो दोनों के एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के रेशियो इक्वल होना चाहिए। वही कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा इसमें एक्स वन अपॉन ए स्क्वेयर, ये ले लिया मैंने एक्स वन अपॉन ए स्क्वेयर, इसका रेशियो इसके साथ में डिवाइड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू, इसमें लेंगे वाई वन अपॉन बी स्क्वेयर। ठीक है, ये इसके साथ में कंपेयर करेंगे माइनस वन। ओके, इधर देखें, इसको इस साइड में लेके आए कांस्टेंट टर्म माइनस वन माइनस वन, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी। इसे देखो क्या फाइंड होगा, मेरे को एक्स वन मिल रहा है, एक्स वन इज इक्वल टू ए एम स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम ए स्क्वेयर एम अपॉन सी, और वाई वन मिल रहा है मेरे को बी स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गया बी स्क्वेयर अपॉन सी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मुझे मिल रहा है माइनस ए स्क्वेयर एम अपॉन सी और बी स्क्वेयर अपॉन सी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब देखते हैं, सपोज सी की वैल्यू भी हमें पता है, सी की वैल्यू इसमें से रख देते हैं, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, तो सी की वैल्यू इसमें से रख दें तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू, क्योंकि सी की जो वैल्यू है मेरे पास सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, बताएं जल्दी, ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एम, वैल्यू पुट करो, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वेयर एम, वैल्यू ऑफ सी विल बी ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमा बी स्क्वेयर, ये प्लस माइनस लगेगा ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। एक बार आप चाहें तो देखें इसको, इस स्लोप फॉर्म हमने किया था, ठीक है, स्लोप फॉर्म आ गया था हमारे पास टेंजेंट का, और एनी टेंजेंट जब भी चूज करना था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस के ले लिया था। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अभी हमने निकाला है, देखें चेक कर लें, ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक टेंजेंट है, देन दूसरी टेंजेंट ये अगर पॉइंट एक्स वन फॉर्म वन वाई वन पे लिया, चेक कर लें, लास्ट तक देख लें, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने एलिप्स बेसिक से लेके टेंजेंट तक किया है, इन पार्ट ए बी सी डी में हमने किया है, और इसके बाद आपको क्या करना है ये देखें, इसमें देखें सेशन वन होमवर्क में, सेशन वन में एग्जांपल करना है, 1 to 15 तक एग्जांपल आपको करना है जो कि सॉल्व प्रॉब्लम है, अगर आपने नहीं किया है तो, पहले कर लिया तो कोई बात नहीं, और फिर एक्सरसाइज फॉर सेशन वन जो कि आपकी अनसोल्व एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना 1 to 18 तक। सेशन टू में जो एग्जांपल दिए हैं, जो सॉल्व प्रॉब्लम दिए हैं 21 to 28 तक, ये टेंजेंट की प्रॉब्लम है, ये करना है अभी, बाकी जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड अनसोल्व प्रॉब्लम आप खुद ज़रूर करें इस पर, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट है इनसे रिलेटेड, सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप फोटो पिक करके भेजें, या प्रॉब्लम जैसे भी आप भेजेंगे मैं रिप्लाई करूँगा, 94 नंबर है 9426481024। ओके, थैंक यू।